अ फॉक्स एंड अ क्रेन, लोमड़ी और एक सारस। दिस इज अवर टुडेज स्टोरी, जिसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अनदर स्टोरी रीडिंग वीडियो। लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश। वंस अ फॉक्स एंड अ क्रेन बिकेम फ्रेंड्स। एक बार लोमड़ी और सारस दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सो द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू डिनर। तो फिर लोमड़ी ने अपने फ्रेंड क्रेन को, सारस को, डिनर के लिए इन्वाइट किया। द क्रेन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, और क्रेन ने अपने दोस्त लोमड़ी का जो इन्विटेशन था उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड रीच द फॉक्स प्लेस एट सनसेट, और शाम को लोमड़ी के घर पर पहुँचा। द फॉक्स हैड प्रिपेयर्ड सूप फॉर हिज मेट। फॉक्स ने अपने साथी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए सूप बनाया। बट एज वी ऑल नो द फॉक्सेज आर कनिंग बाय नेचर। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि लोमड़ियाँ बहुत चालाक होती हैं नेचर से। ही सर्व द सूप इन फ्लैट डिशेस। अब उसने जो सूप उसे सर्व किया वो एक फ्लैट बर्तन में, मतलब प्लेट में उसको वो सूप दिया। सो ही हिमसेल्फ लैप्ड द क्रेन शेयर विद हिज टंग एन्जॉय इट्स रियलिस अलॉट। अब फिर जब क्रेन आया, उसने उसको वो सूप दिया प्लेट में रखकर। अब क्योंकि जो क्रेन होता है उसकी तो एक लंबी सी चोंच होती है, तो वो उस सूप को नहीं खा पाया और उसका सूप भी लोमड़ी ने ही खा लिया। बट द क्रेन कुड नॉट एन्जॉय इट एट ऑल। इन सारस ने उस दावत को बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया। विद हिज लॉन्ग बीक एंड हैड टू गेट बैक होम हंगरी। अब क्योंकि उसकी चोंच इतनी लंबी थी, वो कुछ नहीं खा पाया और उसे भूखा ही घर पर वापस आना पड़ा। द श्रूड फॉक्स फेल्ट एक्सट्रीमली अम्यूज्ड। अब लोमड़ी अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान समझ रही थी और उसे काफ़ी खुशी हो रही थी ये सब कुछ चालाकी करके। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू डाइन इन विद हिम। अब क्रेन ने, सारस ने लोमड़ी को इन्वाइट किया उसके घर पर डिनर के लिए। द फॉक्स रीच्ड हिज प्लेस वेल इन टाइम। अब फॉक्स जब सारस के घर पर पहुंचा बिल्कुल सही समय पर। द क्रेन गेव हिम अ वार्म वेलकम। सारस ने, क्रेन ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सर्व द सूप इन अ जग, और उसको भी उसने सूप ही सर्व किया, लोमड़ी को उसने सूप सर्व किया, लेकिन वो सूप जग के अंदर था। विद अ लॉन्ग नैरो नेक, और जो जग था उसकी जो गर्दन थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिसके थ्रू लोमड़ी का उस सूप तक पहुंच पाना मुश्किल था। सो द क्रेन एन्जॉयड द सूप विद ग्रेट रियलिश यूजिंग हिज लॉन्ग बीक। अब क्योंकि जो घड़ा था जिसके अंदर सूप था, उसकी जो गर्दन थी वो लंबी थी और क्रेन की दूसरी तरफ उसकी जो चोंच थी वो भी लंबी थी, तो उसे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई उस सूप को पीने में। द फॉक्स माउथ कुड नॉट रीच द सूप, और दूसरी तरफ जहाँ पर लोमड़ी थी उसका मुँह उस सूप तक पहुँचा ही नहीं। थ्रू द नैरो नेक ऑफ द जग, क्योंकि जग का जो मुँह था, उसकी जो नेक थी वो काफ़ी कम स्पेस था उसमें। ही हैड टू रिटर्न होम हंगरी, और उसे भी क्रेन की तरह अपने घर निराश होकर भूखा लौटना पड़ा। नाउ ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रिपीड फॉर हिज बिहेवियर विद द क्रेन। अब उसे, लोमड़ी को एहसास हो गया था कि उसने जो व्यवहार सारस के साथ में किया था वही उसके साथ में रिपीट हुआ। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस स्टोरी। होप दैट की यह स्टोरी आपके समझ में आई होगी। अगर यह स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऐसे ही और स्टोरी रीडिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई कीप ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, सो आई विल टेक अ लीव नाउ। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।